मीडिया को जवाब दे रहे थे जे लोग जो जो अपने यहाँ टोटी लगाए हुए हैं, अगर पानी बहता है तो 10 रुपया को टोटी भी नहीं खरीदता है, इतना पानी का संकट हो रहा है। लेकिन विधायक जी आज एक बार ये नहीं बोल रहे हैं जे एक एक पेड़ लगाने के लिए सरकार इतना काटने वालों पर एफआईआर करो, हरा भरा वृक्ष के काटने वालों पर एफआईआर करो। मोदी नगर प्रखंड क्षेत्र में आप देखेगा निर्माणधीन NH 122 आप देखिए यहाँ दर्जनों लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो बोल दिया जाएगा देखो आज आया हूँ मैं, सिस्टम गड़बड़ा गया, ये बहुत बड़ा स्कीम बहुत बड़ा घोटाला होने के साजिश चल रहा है यहाँ के प्रशासन शासन के द्वारा। अब रुपया एक एक पेड़ लगाने पर खर्च कर रहा है, उनके आवास से 1 किलोमीटर के दूरी पर सैकड़ों पेड़ काट कर करोड़ों के पेड़ काट के। और नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ विद्यापीठ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला की मोहदी नगर प्रखंड क्षेत्र में। आप देखेगा निर्माणधीन NH 122 भी है, आप देखिए हम दर्जनों लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ पेपर हैं इनके हाथों में जो पढ़ने का प्रयास करेंगे। सैकड़ों हरा वृक्ष का काटने का मामला जो है ये आया है प्रकाश में, यहाँ पर लिखा हुआ है सैकड़ों हरा वृक्ष काटने वाले पर FIR करे, वृक्ष चोरी की भूमि पर धारा 144 लगाए, पूर्व से चयनित भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करे। इस तरह की मांग को लेकर जो प्रखंड क्षेत्र के जो तमाम जनता है और जो लोग हैं ये बैठे हुए दर्जनों लोग यहाँ पर में बैठे हुए हैं, और जो दोषी है दोषी के ऊपर FIR की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन है किस तरह से कब से प्रारंभ की गई और क्यों की गई विस्तृत जानकारी इन लोगों से जुड़ेंगे, बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज़ विद्यापीठ। किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं सड़क पे आज हम लोग? मोहदी नगर प्रखंड अंतर्गत करीम नगर पंचायत के हेमंतपुर गांव में बीते 25 तारीख को रात में लगभग सैकड़ों पेड़ शीशम और जामुन का पेड़ काट के 10-15 जेसीबी लगा के असामाजिक तत्वों के द्वारा, दबंगों के द्वारा, स्मगलरों के द्वारा करोड़ों का पेड़ काट के और रातों रात बेच दिया गया। यहाँ के शासन प्रशासन को हम लोग ने अवगत कराए, हमारे पास वीडियो उपलब्ध आया, CO साहब को बोले, CO साहब को बोले, यहाँ के जन एक प्रतिनिधि मंडल विधायक जी से भी मिले, सभी लोग जाके और मिले और सूचना देने का काम किए। वो लोग बताए हमको सूचना ही नहीं है, जब सूचना दिए तो 2 दिन का टाइम लिए थे जो जानकारी जांच करके उन लोगों पर तैयार होगा, लेकिन आज 1 सप्ताह से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक जांच हुआ नहीं तैयार हुआ। कहना ये है जो जो सैकड़ों पेड़ को काटा वह स्मगलर हो, दबंग हो, हिटलर हो या जो भी व्यक्ति हो, कम से कम प्रशासन को अज्ञात व्यक्ति पर FIR भी करना चाहिए। मोहदी नगर के किस क्षेत्र में माने किस कहां पर? मोहदी नगर प्रखंड के यहाँ 100 मीटर के डिस्टेंस पर करीम नगर पंचायत स्टार्ट होता है, इसी पंचायत के डिस्टेंस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हेमंतपुर गांव है, वहां पे सैकड़ों पेड़ काट दिया गया। और उन लोगों का मनसा है जो शासन प्रशासन के साथ घाट करके 1 बीघा के खेत में पेड़ काट के और उनका सबूत मिटाने के लिए लगातार उसको बराबर किया गया। अब उसी पर जो पूर्व से चयनित जमीन था पंचायत सरकार भवन का, उन लोगों का जब हम लोग मंशा पता किए जो आखिर ये क्यों किया, तब मालूम चला जो पूर्व से चयनित पंचायत सरकार भवन जो मंझा गांव में था, उन लोगों का इच्छा था, उन दबंगों को कुछ इच्छा था जो इस गांव में गरीब के वंचित शोषित के टोला में वो पंचायत सरकार भवन न बने, वो एक जंगल में ले जाके जंगल को काट के वन को काट के करोड़ों में बेच दिया। माने वो लोग सोने पे सुहागा, माने डबल फायदा वो लोग कमाना चाहा। जो भी ठेकेदार हो, शासन प्रशासन हो, तो वो लोग सोचा जो करोड़ों में फिर भी बेच लिए और करोड़ों का उधर पानी रहता है 6 महीना, जहाँ पे चयनित किया गया है भूमि को 3 से 6 महीना पानी रहता है बया नदी के सटा के है, तो उन लोग सोचा जो बया नदी के आर में जैसे तैसे बना भी दिया जाएगा, गांव से हटा हुआ 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, लोग को मालूम भी नहीं चलेगा, पानी का बहाना बना के फिर जांच होगा तो बोल दिया जाएगा जो बाघ आया उनमें सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा स्कीम बहुत बड़ा घोटाला होने के साजिश चल रहा है यहाँ के प्रशासन शासन के द्वारा। अब बहुत दुख की बात तो तब हो गया जब विधायक जी को यहाँ के प्रतिनिधि मंडल मिलने गए उनके बुलाने पर, तो उनको बताया गया जो ऐसे ऐसे पेड़ काटा, तो विधायक जी जवाब दिए कि हमको तो जानकारी नहीं है। बड़ा दुख की बात है
विधायक जी को एक टोटी बह रहा था कहीं पे, उनको फोन गया जे पानी नजायज बह रहा है। तो एक दिन वो मीडिया को जवाब दे रहे थे जे लोग जो जो अपने यहाँ टोटी लगाए हुए हैं, अगर पानी बहता है तो 10 रुपया को टोटी भी नहीं खरीदता है, इतना पानी का संकट हो रहा है। लेकिन विधायक जी आज एक बार ये नहीं बोल रहे हैं जे एक एक पेड़ लगाने के लिए सरकार इतना मेहनत कर रहा है। आज एक एक पेड़ का महत्व गर्मी में लोगों को समझ में आया, जहाँ एसी ब्लास्ट कर गया कई जगह, सैकड़ों हजारों लोग पूरा देश में मर गया गर्मी के लू लगने से, और सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक एक पेड़ लगाने पर खर्च कर रहा है। उनके आवास से 1 किलोमीटर के दूरी पर सैकड़ों पेड़ काट कर करोड़ों के पेड़ काट के और बेच दिया गया, और ये विधायक जी के कान में आवाज नहीं गया। जब हम लोग पहुंचाने का भी काम किए तभी तक उनका जांच उनके पैकेट में है, उनको भोज खाने का मालूम रहता है सर, कहाँ कहाँ किन किन बाबू कन भोज खाने जाना है, उनको कहाँ कहाँ टोटी बह रहा है पानी नजायज बह रहा है वो मालूम है, उनको भुइया बाबा के पूजा में जाने का मालूम है, सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाने का मालूम है, होना भी चाहिए। लेकिन उनको ये भी होना चाहिए जो उनके घर के पीछे में 1 करोड़ का पेड़ काटा, कौन काटा, क्यों काटा, प्रशासन केस नहीं की क्यों किया, इस पर संज्ञान लेने का उनके पास समय नहीं है। अभी शांति प्रदर्शन पर कब से बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, आज तो फिलहाल आज तक का है। अगर नहीं शासन प्रशासन अज्ञात लोगों पर या चिन्हित करके लोगों पर FIR करता है तो हम लगातार चरणबद्ध तरीके से आज मोहती नगर में बैठे हैं, मेन रोड पे NH 122 भी जाम किए हैं, इससे पहले हम पंचायत सरकार भवन पर भी बैठे थे, इसके बाद ब्लॉक का घेराव करेंगे, अनुमंडल का घेराव करेंगे, उसके बाद DM साहब का भी घेराव करेंगे। अगर FIR नहीं होगा तो DM साहब तक जाएंगे, जाएंगे ना हो। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। आज तक जिस मुद्दा होता है, जुनून मुद्दा होता है, तो हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। क्या नाम हुआ? राम मोहन राय, मोहती नगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोहती नगर के प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।